सुबह सुबह नाश्ते में अगर हो इतना अच्छा नाश्ता तो बात बन जाए। सो ही गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज सुबह सुबह मेरे घर में बन रहा है मूंग का भजिया पकौड़ा। इसको बना रही है मेरी मम्मी। यहाँ पर मैं उसकी बस कर रही हूँ यहाँ पे तैयारी, क्योंकि तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 250 ग्राम लिया था मूंग का दाल। उसको मैंने रात भर पानी में भिगो के रख दिया था ताकि ये अच्छे से गल जाए, और इसके छिलकों को मैंने अच्छे से वॉश करके निकाल लिया था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दाल जो है ओवरनाइट अच्छे से भिगो के रखा था तो तैयार हो गया है। तो अब हम इसको बस 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट हमारी मम्मी यहाँ पे तैयारी कर रही हैं इसमें क्या क्या डलेगा उस इंग्रेडिएंट्स की। तो यहाँ पे मम्मी ने जो है पालक डाला है। पालक को हमने अच्छे से देख लिया था कि ये साफ़ सुथरा है या नहीं, उसके बाद हमने इसको अच्छे से कट कर लिया था। तो इसको बारीक बारीक कट करना है, क्योंकि भजिए में पालक अगर डाल दो तो टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। यहाँ पे पालक कट के रेडी हो गया है। अब थोड़ी सी धनिया की पत्ती भी काट लेंगे। साथ में मैंने यहाँ पे काटा हुआ है हरी मिर्च, प्याज और लहसुन। लहसुन को हम यहाँ पे पीस के डालेंगे। इन सारी चीज़ों को हम मिक्सर जार में अच्छे से पीस लेंगे। पालक बस हम ऐसे ही डालेंगे और हरी मिर्च, बाकी थोड़ी सी हरी मिर्च लहसुन वगैरह हम पीस लेंगे। तो यहाँ तो जार में सबसे पहले हमने दाल डाल के दाल का पेस्ट बना लिया है। उसके साथ हमने यहाँ पे अदरक लहसुन मिर्च वगैरह अच्छे से पीस के सब कुछ मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें मिला रहे हैं कुछ मसाले। यहाँ पे मैंने हल्दी, नमक, जीरा डाला था और सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। फिर मैंने एक कढ़ाई लिया है जिसमें मैंने ऑयल अच्छे से गरम कर लिया है। हमारा ऑयल एकदम आँच में अच्छे से आ जाए, उसके बाद हम इसमें एक एक करके भजिया डालेंगे। भजिए का साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा रख सकते हैं। ये मैंने पूरे ऑयल में जो भजिया है वो एक एक करके डाल दिया है। एक बार में थोड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर निकल सकता है अगर ऑयल आप ज़्यादा डालते हैं तो। स्टार्टिंग में भजिया डालते टाइम गैस का फ्लेम हमको हाई रखना है, फिर बीच में थोड़ा सा जब सिक जाए तो उसके बाद हमको जो फ्लेम है वो थोड़ा धीरे कर देना है, और हमको बीच में करछी की हेल्प से इसको चलाते रहना ताकि ये नीचे चिपके नहीं, और फ्लेम को हाई कर देना है ताकि ये अच्छा कुरकुरा सा क्रंची बन जाए हमारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक साइड से इसको पलट के और अच्छे से सेक लिया है। तो इसको फ्राई करने के लिए हमको आँच जो है वो तेज़ ही रखना है, और दोनों साइड से हमको प्रॉपर तरीके से चला के इसको फ्राई कर लेना है। अब हम इसको जो है निकालेंगे। तो हमारा ये लगभग तैयार हो गया है। अब हम एक प्लेट में, आप इसमें किचन पेपर ले सकते हैं या फिर आप कोई कपड़ा या ऑयल ऑब्जर्व करने के लिए कुछ भी ले सकते हैं, या प्लेट में भी सिंपली आप निकाल सकते हैं। तो मैंने निकाल लिया है, और इसके साथ में मैंने हरी चटनी, अदरक लहसुन हरी मिर्च और टमाटर की यहाँ पे मैंने चटपटी सी चटनी बनाई थी, और उसके साथ में भजिया जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। सो गाइज, आप लोग भी बनाइए, खाइए और इन्जॉय करिए। अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज़।